विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जहां दुनिया भर में मौत का तांडव मचा रही है, वहीं भारत में कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। ऐसे में जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे में टेका कंपनी द्वारा कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुक्रवार की सुबह ठेला कंपनी के सफाई कर्मचारी अपना कामकाज छोड़कर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने कंपनी ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर काम करने में जुटे हैं, वहीं ठेकेदार ने अचानक 100 सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है। कौन सी कंपनी? ये सिंगर सिक्योरिटी सर्वे से, जिसमें हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई कि टेंडर चेंज हो गया है, मतलब टेंडर ख़त्म हो चुका है, तो रेलवे की तरफ से सिर्फ 130 लेबर हैं। ये 130 लेबर में से सिर्फ 35 लेबर बच रहे हैं, तो उनमें से ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को 6,000 रुपये सिर्फ 35 लड़के लोगों को रखेंगे, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। तो हम लोगों ने भरे लॉकडाउन में अपना काम किया और अपने घर वालों को सबको जान में जोखिम डाल के ये सब काम किया गया, और इस बीच में हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब सर ये बताइए कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और सैलरी वगैरह 160 रुपये मिलती थी, प्लस उसमें से ये बोल के 4 छुट्टी का रेस्ट काट देते रहे और रेस्ट के पैसे काट देते रहे, प्लस 8,000 रुपये पेमेंट मिलती थी, और उस बीच में ये बोले कि अब 6,000 रुपये में अगर आप काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो अलग हो जाओ, नई लेवल लेके आएंगे। अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी कंपनी का या फिर आपने जीएम साहब को बोलेंगे? जीएम साहब ने बोला कि हमने आप लोगों को अलग नहीं किया गया, आप अपने ठेकेदार से बात करो। तो इस बीच में ये जो सुपरवाइजर लोग हैं, ये लोग हम लोगों को अलग कर रहे हैं यहाँ से। नाम बता सुभाष बेरा, मनीष अभिनय, मेरा नाम मुकेश महतो। ठेकेदार के तानाशाही रवैये से नाराज महिला कर्मचारियों का कहना है कि सुपरवाइजर द्वारा कंपनी में ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो उसे कमीशन दे, यही वजह है कि एक साथ 100 कर्मचारियों को अचानक निकाल दिया। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, क्या समस्या है आपको? जी सर, समस्या ये है, ग्वालियर का ठेका ये चल रहा है, हम लोग को 3 साल से हो रहा है यहाँ पे जॉब करे, 3 साल पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया है, और हम लोग को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। पूरे लॉकडाउन में हम लोग ने काम किया और प्लस अभी सब लोगों को निकाला जा रहा है। आज बोल रहे हैं कि ठेका बंद हो चुका है, जबकि ठेका बंद नहीं हुआ है। ये हमारे जो सुपरवाइज़र हैं और ये जो हमारे जो नए मैनेजर आए हुए हैं, इनका नाम है प्रमोद पटेल, और जो सुपरवाइज़र है सुभाष बिरहा, ये लोग सब मिलके मतलब एक नई लेवर मतलब लाना चाहते हैं ये प्लांट से, कुछ प्लांट से। आप लोग सफाई कर्मचारी हैं, कब से आप लोग? तीन चार चार ठेके हो चुके हैं जी। हम लोगों ने क्या मांगे, तो को यहाँ पे काम दिया जाए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो 10,000 की सैलरी की भाई नौकरी कहीं भी हम लोग को दी जाए, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे भाई यहीं से चल रहे हैं हमारा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने लॉकडाउन में कहीं काम नहीं मिल रहा हैगा, हम लोग क्या करेंगे? घर किराए का घर रहेगा, कैसे कैसे हम लोग अपना घर चला रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैंगे। ठेकेदार, हालांकि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती सिर्फ सुपरवाइजर की है और मैनेजर की है, ये लोग षड्यंत्र रच रहेंगे भाइयों के खिलाफ। नाम बता दीजिए। रंजना गिरा। मैं पहले प्लेटफार्म में लगती रही, तो सुपरवाइजर मेरे को उल्टी सीधी बात कर रहा कि मेरा ये उखाड़ लेगी वो उखाड़ लेगी, तो मैंने जाके कंप्लेन करी थाने में, उसके बाद मेरे को यहाँ भगाता है, वहाँ गटर में नाली साफ करवाता है, इधर उधर मेरे साथ ऐसा करता है, और ऊपर से बोलता कर ले जो कुछ करना हो। कौन सुपरवाइजर है? सुभाष बिरहा। तो आके हैं और ये कौन सा प्लेटफॉर्म? हम पहले 2 नंबर पर रहते रहे, फिर हमको 5 पे भगाया गया, फिर 6 से फिर नीचे उतार दिया, फिर ट्रक में भेज दिया, अब यहाँ लगवाता है नीचे ये कर्म करता, और 500 रुपये सब लेबरों से मांगते हैं और बोलते हैं, मतलब सुपरवाइजर, आपका कहना है सुपरवाइजर जो है कमीशन खाते हैं सर जी, इन लोग खाते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, इन लोग खाते हैं, और नहीं तो धमकी दी जाती है हम लोग को। आप लोगों से ये कमीशन खाते हैं तो कभी आप लोगों ने अधिकारी को शिकायत सबको करे सर जी, बोलते हम लोग नहीं लेते सर जी, ये लेबर खुद लेबर ढाक कर रखती है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं सर जी। नाम बताओ। मेरा सीला ठाकुर।
सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन में पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी मौजूद रही, जहां सभी ने कंपनी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस रखने की मांग की है। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।